हे एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रा पिक्सल्स के बारे में कि क्या होते हैं अल्ट्रा पिक्सल्स। आपने नाम तो सुना होगा मेगा पिक्सल, ये फोन के कैमरे में होता है, पर अल्ट्रा पिक्सल क्या होता है बात करेंगे इस वीडियो में। तो आजकल हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन आ गए हैं जिनके कैमरे भी काफी अच्छे हैं। उनमें 4 मेगापिक्सल से लेके 8, 12, 13, 16 मेगापिक्सल तक के कैमरे आ गए हैं जो काफी अच्छी इमेज भी क्लिक करते हैं। अगर मेगापिक्सल की बात करें तो 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, यानी 10 लाख पिक्सल। तो मतलब अगर आपके फोन का कैमरा 4 मेगापिक्सल का है तो उसमें 4 मिलियन पिक्सल है, 8 मेगापिक्सल का है तो उसमें 8 मिलियन पिक्सल यानी 80 लाख पिक्सल्स। तो इन सभी के बाद HTC ने 2013 में अपने HTC One स्मार्टफोन में एक टर्म यूज किए, कॉन्सेप्ट यूज किया जिसे कहते थे अल्ट्रा पिक्सल। तब बात करते कि अल्ट्रा पिक्सल है क्या। अल्ट्रा पिक्सल एक कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर एक बिल्कुल ही चेंज नहीं आ गया है कैमरे में, ये सिर्फ अरेंजमेंट है पिक्सल्स का इमेज सेंसर के ऊपर। जैसा मैंने बताया कि आजकल जो कंपनी है वो अपने इमेज सेंसर के ऊपर काफी ज्यादा पिक्सल लगाने लग गई है जिससे वो पिक्सल्स का साइज भी छोटे करते जा रही है, और अगर साइज छोटा होगा यानी कि उस इमेज सेंसर पर काफी स्पेस बचेगा जिसमें हम और पिक्सल डाल सकते हैं, और अगर पिक्सल का साइज जितना छोटा होगा उसमें उतनी कम लाइट जाएगी, और जितनी कम लाइट एक पिक्सल के अंदर जाएगी इसका मतलब वो उतनी इमेज में नॉइस क्रिएट करेगा, आपको इमेज इतनी अच्छी खींचने के बाद नहीं दिखेगी, नहीं मिलेगी। तो अल्ट्रा पिक्सल का मतलब है कि HTC ने इसमें बड़े पिक्सल्स का यूज किया था। अब जो इमेज सेंसर होता है उस पर HTC ने क्या किया, उसने वहां बड़े पिक्सल्स का यूज किया। अब अगर वो बड़े पिक्सल का यूज करेंगे तो इमेज सेंसर पर स्पेस भी कम होगा, यानी वो ज्यादा स्पेस लेंगे क्योंकि वो बड़े पिक्सल है, इसीलिए उन्होंने उस पिक्सल्स का नाम दिया अल्ट्रा पिक्सल, बड़े पिक्सल। जहां एक कंपनी एक इमेज सेंसर पर काफी ज्यादा छोटे छोटे सेंसर लगा देती थी, वहीं HTC ने काफी बड़े पिक्सल्स लगाए और कम पिक्सल लगाए, क्योंकि पिक्सल जितने बड़े होंगे वो उतनी ही लाइट अपने अंदर जाने देंगे, और जितनी लाइट उनके अंदर जाएगी वो उतनी ही अच्छी इमेज खींचेंगे। तो उन बड़े पिक्सल्स के कॉन्सेप्ट को HTC ने कहा था अल्ट्रा पिक्सल, यानी उतने ही स्पेस को लेकर HTC ने पिक्सल्स का साइज बड़ा कर दिया था और उन्हें लगा दिया था जिससे उनमें काफी ज्यादा लाइट आए और काफी अच्छी इमेज क्लिक कर पाए। यही कॉन्सेप्ट होता है DSLR में, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि हम उसके पिक्सल इतने बड़े कर पाए, काफी ज्यादा बड़े करें, और DSLR के अंदर काफी साइज होता है, काफी जगह होती है जिससे हम उसके पिक्सल काफी बड़े कर देते हैं। इसलिए जो DSLR का 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है और किसी मोबाइल का 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, वो पिक्सल की वजह से ही होता है, क्योंकि DSLR के जो पिक्सल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं किसी फोन के मुकाबले, क्योंकि फोन के अंदर बैटरी होती है, प्रोसेसर होता है और काफी सारी चीजें होती है जिनकी वजह से हम उनका साइज कुछ हद तक ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो यही था अल्ट्रा पिक्सल जो HTC ने किया था, उन्होंने DSLR की तरह अपने पिक्सल्स का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया था जिससे ज्यादा लाइट आए और फोटो अच्छी खींचे, इसे ही उन्होंने अल्ट्रा पिक्सल कहा था। तो ये थी आज की वीडियो अल्ट्रा पिक्सल के ऊपर कि क्या है अल्ट्रा पिक्सल और कैसे HTC ने या फिर कोई भी कंपनी ने यूज करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मिलते हमारे अगले वीडियो में।